अस्सलाम वालेकुम जी, हम बंजोसा लेक पे पहुंच चुके हैं। ये एक आर्टिफिशियल लेक है लेकिन है बहुत खूबसूरत। तो आपको इस झील की सैर करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है इस झील का। झील के चारों तरफ सरसब्ज दरख्त और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ये एक नाला था और आप ये देख सकते हैं कि ये सीमेंट और ईंटों का ये बंद बंधा हुआ है इसके आगे। तो ये आगे बंद बांध कर इसको बंद किया गया है, इस पानी का रास्ता, और इस पानी को जमा करके ये झील बनाई गई है। और जब ये पानी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो इस बंद के ऊपर से निकल कर वो नाले में चला जाता है। लेकिन इस झील की जो लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी है। ये एक मस्नूई झील है और मशहूर सियाहती मकाम है, जो रावलकोट से 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की रियासत आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ में वाक़ है। झील के इर्द गिर्द घने जंगल और पहाड़ों ने इसे और भी दिलकश बना दिया है। यहाँ गर्मियों में भी मौसम खुशगवार रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी भी होती है यहाँ पर। सियाहों के क़याम के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों की आरामगाहें मौजूद हैं, साथ ही साथ निजी मेहमान खाने और तामगाहें भी मौजूद हैं यहाँ पर। इस झील के चारों तरफ जंगलात में से ये वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। हम वॉक करके मज़ीद आगे जाएंगे और इस झील की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। सामने एक छोटा सा पुल बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से पानी गुजरता है, जो पहाड़ों वगैरह से पानी आता है तो वो यहाँ से गुजर कर इस झील में शामिल होता है।
इस झील में मछली का शिकार करने की भी इजाज़त है, और आप देख सकते हैं कि ये लोग मछली का शिकार करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सियाहों के लिए ये पैडल वाली कश्ती और दूसरी इंजन वाली कश्तियाँ भी मौजूद हैं, उसमें आप सवार होकर इस झील से लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। इस बंजोसा लेक के साथ एक छोटा सा हाइकिंग ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और वो जो ट्रैक है वो आपको ले जाएगा छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स और वाटरफॉल की तरफ। तो हमारा अगला जो व्लॉग होगा इंशाल्लाह हम उस ट्रैक पे हाइकिंग करेंगे और वो वाटर स्ट्रीम्स और वाटरफॉल आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा जो अगला व्लॉग होगा वो आखिरी व्लॉग होगा, क्योंकि इसके बाद हमने इस्लामाबाद की तरफ जाना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने इस चैनल लेंस स्टूडियो का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।